हेलो एवरीवन, एकलव्य एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्लास 6 आरएमएस और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो वीडियो बनाया था नंबर सिस्टम से, उसी में आज हम आगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2 प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम न्यूमेरेशन की बात करेंगे और आरएमएस और सैनिक स्कूल दोनों में इक्वेशन एग्जाम में इसमें से आता है, तो आप इसको अच्छे से समझें। तो सबसे पहले हम न्यूमेरेशन की बात करेंगे कि न्यूमेरेशन होता क्या है। तो न्यूमेरेशन, एक डेफिनेशन की बात करें, इट इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, इट इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द नंबर इनटू वर्ड्स। इट इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द नंबर इनटू वर्ड्स, यानी कि नंबर को वर्ड्स में नोट करना ही क्या कहलाता है, हमारा न्यूमरेशन कहलाता है। अब न्यूमरेशन की बात करें तो मैथमेटिक्स में दो तरह के न्यूमरेशन सिस्टम इम्पोर्टेंट होते हैं, तो यानी कि दो कौन कौन से होते हैं वो, एक तो हमारा होता है इंडियन सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये हमारे दो न्यूमरेशन के मेथड हैं, एक इंडियन सिस्टम है और एक इंटरनेशनल सिस्टम है। सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं कि इंडियन सिस्टम में ऐसा क्या होता है। तो देखिए, इंडियन सिस्टम में अगर हम बात करें तो जो नेम नंबर्स को देते हैं, सबसे पहले 1, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी कि न्यूमरेशन में हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, हम राइट हैंड साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके बाद आगे भी हम कर सकते हैं, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, लेकिन जो मोस्टली कॉमन जो मेथड हम यूज करते हैं वो करोड़ तक ही यूज करते हैं। आजकल जैसे आजकल हम प्रेजेंट की बात करें तो अगर आगे हमें काउंट करना हो तो 10 करोड़ के बाद 100 करोड़, फिर 1,000 करोड़, फिर 10,000 करोड़, इस तरह से आजकल काउंटिंग चलती है। तो ये हम एक यहाँ पे टेबल के रूप में इसको शो कर सकते हैं। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम में हम जो काउंटिंग को इस तरह से करते हैं, और किसी भी अगर नंबर को हमको वर्ड्स में लिखना है तो ये वाला मेथड हम यूज करते हैं। ये हमारा इंडियन सिस्टम है। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, ये तो हमारा इंडियन सिस्टम हो गया। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम अलग अलग इनके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे वन, इसमें भी हम वन से ही स्टार्ट करते हैं, वंस से, फिर हमारा टेंस आता है, फिर हंड्रेड्स आता है, फिर थाउजेंड्स आता है, उसके बाद 10,000 आता है। 10,000 के बाद हमारा इंडियन सिस्टम में लाख आता था, लेकिन यहां पे क्या आएगा, 100,000। इसके बाद यहां पे हमारा 10 लाख आता था, यहां पे क्या आएगा, मिलियन। यहाँ पे हमारा करोड़ आता था, यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 10 मिलियन। और यहाँ पे हमारा 10 करोड़ आता था, यहाँ पे क्या आएगा, 100 मिलियन। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में था। इस इंटरनेशनल सिस्टम को हम आगे भी
लिख सकते हैं आगे भी जो वर्ड्स जो आते हैं उनको भी हम मोस्टली यूज में लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो हमारे वर्ड्स होंगे वो देखिए 100 मिलियन के बाद क्या आता है, बिलियन आता है, बिलियन, उसके बाद 10 बिलियन, उसके बाद 100 बिलियन और उसके बाद ट्रिलियन आता है, इसके बाद 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इस तरह से हमारा आगे भी ये चलता है। और जो तीसरा कॉलम अगर हम आगे बनाएं तो इसको 100 ट्रिलियन तक हम ले जा सकते हैं। यानी इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम इंडियन और इंटरनेशनल की दोनों बात करें तो यहाँ पे होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम आगे भी और ये इन वर्ड्स का भी यूज किया जाता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं। यानी इंटरनेशनल सिस्टम में हम बिलियन ट्रिलियन वर्ड्स का भी यूज अभी भी कर रहे हैं। और अगर इंडियन सिस्टम में बात करें तो इंडियन सिस्टम में भी होता है खरब, 10 खरब, अरब, अरब, 10 अरब, नील, पदम, शंख, लेकिन ये हम ओल्ड फैशन्ड हो चुके हैं, यानी आजकल हम इन वर्ड्स को यूज नहीं करते, हम करोड़ को ही आगे बढ़ा देते हैं, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में हम बिलियन और ट्रिलियन का यूज अभी भी कर रहे हैं। तो इस वजह से हम इंटरनेशनल सिस्टम को यहाँ तक पढ़ सकते हैं। अब बात करें स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पुटअप होता है, तो एग्जाम में आपको ऐसे कुछ इनकी कंपैरिजन से रिलेटेड किया जाता है। देखिए यहाँ तक तो हमारे दोनों सिस्टम सेम है, अगर हम बात करें 10,000, यहाँ तक हमारे दोनों सिस्टम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लैख किसके बराबर होता है, 1,000 के बराबर। तो आपसे पूछ सकते हैं कि 1 लैख किसके इक्वल्स होता है, तो हम कह देंगे भाई 100,000 के इक्वल होता है, यानी हम 100,000 भी इसको कह सकते हैं 1 लैख को, ठीक है। यानी 100,000 किसके बराबर हो गया, 1 लैख के बराबर आ गया। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई 1 मिलियन किसके इक्वल होता है, तो 1 मिलियन का एक मतलब होता है 10 लैख, कितना होता है 10 लाख, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। ऐसे ही हम 1 करोड़ को भी पूछा जा सकता है कि भाई 1 करोड़ किसके इक्वल होता है, तो 1 करोड़ हम देखेंगे भाई 1 करोड़ ये है और ये किसके मिलियन के बराबर होता है, 10 मिलियन के बराबर होता है, 10 मिलियन। और अगर हम 10 करोड़ की बात करें तो 10 करोड़ किसके बराबर होता है, तो 10 करोड़ हमारा 100 मिलियन के बराबर होता है, 100 मिलियन के बराबर होता है। तो यानी हम इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इनको आप लर्न भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हो, और दूसरा हमें याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद फ्रेम करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी एक नंबर लेता हूं, फिर उसको कन्वर्ट करके दिखाता हूं। जो हमारा ये मिलियन वाला जो क्वेश्चन है जो 10 लाख के इक्वल होता है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है आपके सेवेंथ स्कूल मिलिट्री स्कूल में, और 10 करोड़ और करोड़ वाले क्वेश्चन भी पुटअप हो चुके हैं आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में। इसीलिए आप कन्वर्जन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको ये एग्जाम में सेवेंथ स्कूल में 3 मार्क्स कम से कम दिलाएगा, और मिलिट्री स्कूल में अगर आता है तो 1 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं इस टॉपिक से। अब हम बात करते हैं, हम जैसे कोई भी चेंज करना है, सपोज कीजिए आपको लिखा कि भाई 100 करोड़ को आपको पूछा कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कहेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में किसके इक्वल होगा ये, तो आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे, सबसे पहले 100 करोड़ लिखोगे। कैसे लिखोगे, इसके लिए देखो हमें इंडियन सिस्टम में काउंट करना है, तो वंस, टेंस, 100, 1,000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद 100 करोड़, यानी कि 1, 10, 100, 1,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 करोड़ और 10 करोड़ के बाद 100 करोड़, 100 करोड़ के बाद 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ के बाद 10,000 करोड़, इस तरह से हमारी काउंटिंग आजकल इंडियन सिस्टम में चलती है, यानी हम अरब और 10 अरब का यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडियन सिस्टम में हमने 100 करोड़ को लिख दिया है। अब अगर हमें इस इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे रीड करेंगे इसको, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और 100 मिलियन के बाद 1 बिलियन।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बिलियन लिख सकते हैं, यानी 100 करोड़ किसके इक्वल हो गया, 1 बिलियन के इक्वल्स हो गया। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं, या फिर हम इस 1 बिलियन को बिलियन में अगर ना शो करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, हम मिलियंस में भी कह सकते हैं। देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000, और 100 मिलियन को आगे बढ़ाएं तो 1,000 मिलियन भी हम कह सकते हैं, 1,000 मिलियन भी इसको हम कह सकते हैं। अगर आप मिलियन में शो करना चाहते हो तो आपको 100,000 के बाद क्या आएगा, सॉरी 100 मिलियन के बाद क्या आएगा, 1,000 मिलियन आएगा, यानी 1 बिलियन इक्वल्स टू 1,000 मिलियन। तो आप इस तरह से मतलब आपको कन्वर्जन से रिलेटेड इंडियन को इंटरनेशनल में या इंटरनेशनल को इंडियन में कन्वर्ट करने से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं कल ही का आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे हमें हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट है उसने अभी COVID-19 के लिए एक फंड जारी किया 20 लाख करोड़। एक्चुअल में इस नंबर को अगर हम लिखना चाहें न्यूमरल्स में तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, क्योंकि भाई हमने करोड़ तो पढ़ा लेकिन लाख करोड़ नहीं पढ़ा, तो ये कैसे बना है। अभी मैंने जैसा बताया था हम अरब 10 अरब की जगह करोड़ को ही आगे बढ़ा देते हैं, तो उसी सिस्टम से बनाए। देखिए सबसे पहले मैं मानता हूं वंस, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड के बाद थाउजेंड, टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड के बाद लैख, टेन लैख, करोड़, टेन करोड़, टेन करोड़ के बाद अब हमको हंड्रेड करोड़ करना है, हंड्रेड करोड़ के बाद 1,000 करोड़ करना है, और 1,000 करोड़ के बाद 10,000 करोड़ करना है, 10,000 के बाद 1 लाख करोड़ करना है, और 1 लाख करोड़ के बाद 10 लाख करोड़ करना है, यानी 10 की जगह 20 लाख करोड़। तो ये हमारे 20 लाख करोड़ वो मनी है जिसका फंड कल COVID-19 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया था। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, टेन करोड़, टेन करोड़ के बाद क्या आया है, 100 करोड़, 100 करोड़ के बाद 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ के बाद 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ के बाद 1 लाख करोड़, और 1 लाख करोड़ के बाद 10 लाख करोड़, 10 के और यहाँ पे 2 है तो ये कितने हो जाएंगे, 20 लाख करोड़। तो यहाँ पे कितनी जीरो हो गई, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 और 3, 13, 13 जीरो, यानी इतना अमाउंट कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें इशू किया है COVID-19 के लिए। अब कुछ लोगों के मन में होता है कि भाई सरकार अपनी पॉपुलेशन तो 130 करोड़ ही है तो सबको पैसे बांट क्यों नहीं दिए जाए, तो बांट दिए जाए अगर एक्चुअल में बांटे जाए तो कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें 130 करोड़ में कितने लोग हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉपुलेशन की, तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है 130 करोड़ है। एक्चुअल में ये कितनी है, देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, टेन करोड़, और ये 100 करोड़। तो वन, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, टेन करोड़, और 100 करोड़, यानी 130 करोड़ हो गई। 130 करोड़ ये पॉपुलेशन है। अगर हम अब 130 करोड़ अगर निकाले कि पर इंडियंस के कितने अगर शेयर मिलता है, तो हम तो ये हमारा अगर हम इसमें डिवाइड करें तो ये हमारे 80 से ये 80 कैंसिल हो जाएंगी, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और जब हम 13 का इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा 15,384.60 रुपीज के समथिंग पर जो कैंडिडेट है उसके शेयर में ये हिस्सा आ जाएगा अगर हम इस पैसे को बांटें। लेकिन ये बांटा नहीं जा रहा है, ये बस एक कैलकुलेशन है, और इसका मतलब इतना ही है कि 130 करोड़ को हम कैसे लिखें, और 20 लाख करोड़ जो मनी हमें गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इश्यू की है वो कितनी मनी होती है। तो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन में आपको ये बता दिया, तो आप को जैसे कभी भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बहुत इजी मेथड है लिखने का। तो इस तरह से आप कोई भी इनकम को
कोई भी इनकम को आप क्या कर सकते हो, कोई भी मनी को आप इंडियन से इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल से इंडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको, आपसे पूछा जाता है मान लीजिए 1000 जैसे कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई 1 ट्रिलियन को आप इंडियन सिस्टम में क्या लोगे, तो सबसे पहले हम 1 ट्रिलियन लिख लेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, इंडियन इंटरनेशनल है तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, 100 बिलियन के बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन और 100 बिलियन के बाद ट्रिलियन। तो ये क्या हो गया हमारा 1 ट्रिलियन, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, billion, 10 billion, 100 billion, 100 billion के बाद क्या है ट्रिलियन। तो ये हमारा कौन सा सिस्टम हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम में हमने 1 ट्रिलियन को लिख दिया। अब अगर हम इसे इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करें तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore। अब 10 करोड़ के बाद हम अरब यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 100 करोड़ यूज करेंगे। करोड़ के बाद 10 करोड़ के बाद 100 करोड़ के बाद 1000 करोड़ के बाद 10,000 करोड़ के बाद 1 lakh crore। तो ये कितना हो गया 1 lakh crore। तो इस तरीके से हम किसी भी इंडियन को इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल को इंडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ये तो हमारा कंपैरिजन से रिलेटेड था। अब मान लीजिए आपको मैं दो एग्जांपल और लेके बता देता हूं। मान लीजिए आपको न्यूमेरल को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, तो एक केसेस ले लेते हैं, उसी को हम दोनों में कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1050, 003, 95 और 1, ये हमारा इक्वेशन है और इसको हमें दोनों सिस्टमों में लिखना है, इंडियन में भी और इंटरनेशनल में। तो सबसे पहले मैं इंडियन में लिख देता हूँ, इंडियन सिस्टम में इसको कैसे लिखेंगे देखिए। तो आपको पता है इंडियन सिस्टम की काउंटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore। तो यानी ये क्या हो गया 10 करोड़, ये दो डिजिट लेंगे, यहाँ पे भी दोनों को मिला के क्या बना 50, तो 50 लाख, और दोनों को मिला के 03 को मिला के क्या बना 3000 के बाद ये सिंगल डिजिट लेना है, तो सिंगल डिजिट क्या बना 9, और ये कौन सा प्लेस है 100, तो 900, ये टेंस प्लेस पे क्या है 5, तो 50, और ये वंस प्लेस पे 1, तो 10 करोड़ 50 लाख और 3951, ये हमारा क्या हो गया, यानी वर्ड नंबर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इसी को अगर इंटरनेशनल में कन्वर्ट करें तो इंटरनेशनल में हम क्या कह सकते हैं देखिए, इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा दूसरा पैटर्न होता है 1, 10, 100, 100 के बाद 1000, 10,000, 100,000, ये तीनों को एक साथ लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, और 100,000 के बाद million, 10 million, 100 million, यानी तीन का पेयर बनता है, तो ये तीन एक साथ बोले जाएंगे। जैसे तीनों को मिला के क्या बना 105, तो हम लिखेंगे पहले तो 105, अब बाद में लगाएंगे मिलियन, 105 मिलियन, और इन तीनों को मिला के क्या बना 3 बना, तो आगे लिखेंगे 3000, और बाकी का सेम बनेगा क्योंकि सेम रहता है 951, तो 951। यानी हमें जो मेन बात है वो यही याद रखनी है कि पेयर कैसे बनाते हैं, तो पेयर ऐसे बनाते हैं भाई, इंडियन में तो क्या करते हैं 1, 10, 100 तो सेम रहता है, उसके बाद जो पेयर बनता है वो दो दो का बनता है, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore।
लेकिन इंटरनेशनल में ये डिफरेंट हो जाता है, 100 के बाद 1000, 10,000, 100,000 तीनों को एक साथ लिया जाता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन तीनों को एक साथ लिया जाता है। तो इस तरह से पेयर बनाए जाते हैं, फिर उनके आगे मिलियन और लाख वगैरह का यूज किया जाता है। तो जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो ये पेयर का ध्यान रखना पड़ता है और इजीली हम राइट कर सकते हैं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, हाँ अपने थर्ड में, फोर्थ में, सेकंड क्लास में ये अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब अगर स्टूडेंट मैं इसका इनवर्स अगर यूज करूँ, तो यानी कि अगर मैं वर्ड्स को न्यूमेरल में कन्वर्ट करता हूँ, यानी कि अगर हम वर्ड्स को न्यूमेरल में कन्वर्ट करें तो इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो सपोज कीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, अलग अलग लेना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेशनल में अलग वर्ड्स होंगे, इंडियन में अलग वर्ड्स होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 15 मिलियन, सबसे पहले ले लेते हैं 15 मिलियन, 13,000, 41, ये हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में कोई वर्ड्स में लिखा हुआ नंबर है। अब हमको इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, न्यूमेरल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए भाई सबसे पहले हमने देखा 15 मिलियन, हमें 15 मिलियन लिखना है। तो देखिए भाई 15 लिख दिया, हमें पता है मिलियन में 3 डिजिट होते हैं, हमारे पास 2 है, अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पर लगा सकते हो, बाकी कोई जरूरत भी नहीं है, यानी 15 मिलियन ये हो गया। अब 15 मिलियन के बाद हमें क्या लिखना है, 13,000, 13,000, 13 में कितने डिजिट है भाई, 2 डिजिट है, और हमें कितने चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था जब 1000 में होता है तो 1000, 10,000, 100,000 यानी 3 डिजिट आते हैं, तो यहाँ पे 2 ही है, तो इनको 3 बनाने के लिए ऐसे कर देंगे और इसको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, तो ये कितने हो गए 13,000। अब बात करें 41, इसमें 100 का जिक्र ही नहीं हुआ, तो 100 का जिक्र नहीं हुआ तो हम 100 की जगह क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, 100 की जगह 0 हो गया। अब क्या बोला है उसने, 41, तो 41, तो ये हमारा वो नंबर है जो इसके वर्ड का कन्वर्जन है न्यूमेरल में। तो आप काउंट भी कर सकते हो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, यानी 15,000,000, 13,000, 41। तो आपको याद रखना है पेयर का, पेयर बनाने हैं आपको, अगर आपने पेयर गलत बना दिए तो आपका नंबर भी, कन्वर्जन भी गलत हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल इंडियन सिस्टम का भी ले लेते हैं, वर्ड्स को न्यूमेरल में चेंज करने का। तो देखिए अभी जैसे कि मान लीजिए आपको आया 100, 149 crore, 5 lakh, 5 lakh 2003। मान लीजिए एक हमारा एग्जांपल है, इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है, हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, न्यूमेरल में कन्वर्ट करना है, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो मैंने थोड़ा 149 crore, तो इसको करोड़ से आगे बढ़ाया, तो इसीलिए आप कोई इजीली कर सकते हो, ऐसा कोई टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है भाई, 149, तो 149 करोड़ लिखना है, तो सबसे पहले तो 149 करोड़ हो गया, यानी कि आप 49 करोड़ समझ सकते हो, 1 को हमने इधर लिखा दिया तो इसका मतलब 100 हो गया, तो 149 करोड़ ये हो चुका है। ठीक है, 3 डिजिट आते हैं 149 में, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट है। अब देखिए 5 लाख, हमने पढ़ा था लाख और 10 लाख होता है, और यहाँ पे 5 में सिर्फ कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, 5 लाख, हमें 2 डिजिट चाहिए तो हम 05 लिख देंगे, ये 5 लाख हो गया। 5 लाख के बाद 2000, हमने पढ़ा था 1000 और 10,000 होता है इंडियन सिस्टम में, यहाँ पे 2 में कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, 2 डिजिट बनाने के लिए 02 लिख देंगे, 2000 हो गए। अब बात करें 2000 के बाद 3 आया, इसने 100 की भी कोई चर्चा नहीं की और इसने 10s की भी चर्चा नहीं की, तो 100 का 0 और 10s का 0 और 3 का 3, तो ये 2003 हो गया भाई। तो 100 इसमें नहीं है कहीं भी, 2000 के बाद सीधा 1s आया है, 10, 100 और 10s नहीं बोले, तो उनकी जगह 2 0। अगर आपको लगता है इसको चेक कर सकते हो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore,
10 करोड़, 100 करोड़, 149 करोड़, 5,02,003। तो इस तरह से हम यानी कि इस वर्ड्स को, इंडियन सिस्टम के वर्ड्स को हमने न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये न्यूमरेशन था, और इसमें से मोस्टली एक क्वेश्चन हमेशा आता है, और ज़्यादा जो हमारा चांसेज होते हैं वो कन्वर्जन के चांसेज होते हैं क्वेश्चन आने के। और अगर दूसरा क्वेश्चन आता भी है तो वर्ड्स से न्यूमरल में आता है, जैसे कोई वर्ड्स में दे दिया जाता है उसको न्यूमरल्स में, चार ऑप्शन होते हैं उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक था न्यूमरेशन सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।